क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि 2.5 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपांड्स आइसोथर्मली टू 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस दे दिया है और ये रखा हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको एक्सपांड होने के लिए यानी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अलाउ किया गया, आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है। आइसोथर्मली का मतलब हो गया कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे ही एक्सपांसन होगा, यानी गैस रखी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस पर और इसका एक्सपांसन भी 27 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। ठीक है, तो बोलता है इस एक्सपांसन में वर्क डन कितना हुआ निकालिए। तो वर्क डन निकालने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए और चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वर्क जो हो रहा है, एक्सपांसन ऑफ वॉल्यूम जो हो रहा है, एक्सपांसन ऑफ गैस जो हो रहा है वो अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, इसलिए हमको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों ही पता करना पड़ेगा, तभी ना वर्क डन निकलेगा। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम पता चल जाएगा तो फाइनल पता ही चल जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बता रहा है कि 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर पता चल गया तो फाइनल वॉल्यूम तो 2.5 टाइम्स हो जाएगा, आसान है। तो हमको पहले इनिशियल वॉल्यूम को पता करना पड़ेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम पता करने के लिए हमारे पास तो उपाय वही है, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उससे हम जो है वॉल्यूम पता कर लेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम लिखो या ओरिजिनल वॉल्यूम लिखो। क्वेश्चन ए को सॉल्व कर रहे हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम ये हो गया हमारा V1, इनिशियल वॉल्यूम। हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, PV इक्वल टू nRT, तो उससे हम लोग क्या निकलते हैं, nRT अपॉन V, यही है ना फॉर्मूला, PV इक्वल टू nRT, यही है फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन। तो V इक्वल टू क्या निकलेगा, P बाय जाकर डिवाइड रहेगा nRT बाय P, तो उसी फॉर्मूला से हम जो है सॉरी V लिख दिए, यहाँ P लिखाएगा ना। ठीक है, तो जो इनिशियल कंडीशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कितना है, 2.5। ठीक है, और प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। इनिशियल कंडीशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना लिया, 2.5 मोल। ठीक है, और प्रेशर कितना लिया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो उसमें आर का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, आर का वैल्यू होता है 0.082। आर का वैल्यू क्या होता है, 0.082। ठीक है, यही होता है आर का वैल्यू जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेते हैं प्रेशर को, तो उसमें जो है आर का वैल्यू 0.082 होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। चलिए इधर हम लोग टी निकाला है ना, तो टी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, हो जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन, तो हो जाएगा कितना, 300 केल्विन। तो टी कितना हो गया, 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर कितना हो गया, 300 केल्विन, तो टेम्परेचर हम ले लिए 300 केल्विन। ठीक है, किसी का यूनिट नहीं लिखेंगे, किसी का भी नहीं लिखेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, और ये वॉल्यूम लीटर में आता है क्योंकि तो इसके यूनिट के हिसाब से आएगा, तो वॉल्यूम आ रहा है हमारा जो V1 फाइनली आ गया वो आ गया 0.3075 लीटर, 30.75 लीटर। ठीक है, 30.75 लीटर वॉल्यूम आ गया, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम मतलब इस कंडीशन में 2.5 मोल है, आइडियल गैस है
2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस, इस दोनों कंडीशन में गैस का वॉल्यूम जो है 30.75 लीटर है। ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में इनिशियल वॉल्यूम जो है 30.75 लीटर है। अब एक्सपांसन करता है, फाइंड वॉल्यूम 2.5 अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसको एक्सपांसन के लिए अलाउ किया गया, अब इसको अलाउ किया गया कि आप एक्सपांड हो जाइए, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक है। और किसके अगेंस्ट बढ़ाना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट बढ़ाना है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम हमको निकालना है, फाइनल वॉल्यूम क्या दिखा हुआ है, 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे, ये हो जाएगा V2, ठीक है। तो क्या दिया है, 2.5 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हो गया 2.5 इंटू 30.75 लीटर, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 76.87 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम मिल गया, तो हम लोग अब वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम यहाँ एक्सपांसन हो रहा है, तो वर्क डन जो है नेगेटिव आएगा। तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल वर्क डन हुआ, ये क्या है, इरिवर्सिबल वर्क डन है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में प्रेशर और एक बार में वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है आइसोथर्मल जो है ये स्लो वर्क नहीं हो रहा है, फास्ट वर्क हो रहा है, तो इरिवर्सिबल वर्क डन है। तो इरिवर्सिबल वर्क डन में क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, वर्क डन करना है 1 एक्सटर्नल प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी के अगेंस्ट काम करना है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हुआ और डेल्टा वी क्या हो गया, V2 माइनस V1, ठीक है। तो माइनस 1 एटीएम इंटू, अब V2 कितना है, 76.87 माइनस 30.75 लीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस 46.37, ठीक है, 46.37 लीटर एटीएम, ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है। अगर इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर गुणा करना पड़ेगा, माइनस 46.37 इंटू 101.325, ठीक है, 325 जूल, ठीक है। तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 4698 0.44 जूल, ठीक है, माइनस 4698 इंटू 44 जूल, ये फाइनल वर्क डन आपका आ गया, यही आंसर है, यही चाहिए था, ये आंसर निकल गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, वर्क डन निकल गया। अब कर डी पार्ट बनाना है, कह रहा है कि अगर सेम एक्सपांसन तो हो रहा है, इरिवर्सिबल वर्क डन इतना हुआ, लेकिन अगर यही वर्क आइसोथर्मली रिवर्सिबल मैनर में हो तो वर्क डन कितना होगा। अगर यही वह काम को हम इसी एक्सपांसन को यानी सेम रेंज ऑफ वॉल्यूम में चेंज जो है सेम आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम रहेगा उसी के अगेंस्ट काम, सेम कंडीशन में काम होगा, लेकिन बस वर्क करने का तरीका बदल जाएगा। पहले रिवर्सिबल वर्क डन किया गया, इस बार जो है रिवर्सिबल वर्क डन करेंगे, रिवर्सिबल वर्क डन, तो फिर टोटल वर्क कितना होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला दूसरा होता है, उसको हम यूज करेंगे। V1 और V2 को याद रखना है, टेम्परेचर याद रखना है,
आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, तो टेम्परेचर में तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2.303 एन आर टी, ठीक है, लॉग वी टू बाय वी वन, यही फॉर्मूला है। अगर आइसोथर्मल वर्क डन निकालना है तो यही फॉर्मूला होगा ना, माइनस 2.303, एन का वैल्यू मालूम है 2.5, ठीक है, आर का वैल्यू जो है यहाँ पर एनर्जी के टर्म में लेंगे, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन था ना, प्रेशर और वॉल्यूम था, यहाँ पर जो है दूसरा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम दूसरा लेंगे तो उसके हिसाब से जो है हमको जो है वैल्यू बिठाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आर का लेंगे 8.314, यहाँ पर आर का, जब ये जब आइसो थर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में लेंगे तो उस केस में आर का वैल्यू 8.314 लेंगे, ठीक है। जब गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे लास्ट चैप्टर में तो हम बता देंगे कि ये सब आर का कितने तरह का वैल्यू है, सब लिखा देंगे एक लिस्ट, ठीक है। तो याद रखना है लॉग वी टू बाय वी वन, वी टू का वैल्यू मालूम है कितना है, अभी तुरंत निकाले थे 76.87, 76.87, और वी वन का वैल्यू है 30.75, 30.75। अब क्या है, अब एक दिन आप लोगों को लॉग का भी क्लास लेकर बताना पड़ेगा कि लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग है यहाँ पर, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा उस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो है आएगा आंसर, तो हम एक लेक्चर ले लेंगे, उसमें जो है ये बताएंगे कि इस लॉग टेबल कैसे रीड किया जाता है, या तो एग्जाम में लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या लॉग टेबल देखने के लिए इजाज़त मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर तो आजकल ट्रेडिशन है कि क्वेश्चन में ही लॉग का वैल्यू दे दिया जाता है, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है बिठा देंगे और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा माइनस 5714.15 जूल, ठीक है। ये इतना जूल जो है वर्क होगा। तो देखिए वर्क डन बढ़ गया कि नहीं, जब उसमें इसमें ज़्यादा वर्क डन हुआ, रिवर्सिबल वर्क है, ई रिवर्सल हुआ था तो उसमें था माइनस 4698 और यहाँ पर 5714, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में सेम काम करने से ज़्यादा वर्क डन होता है, सेम एक्सपांसन हुआ है, ई रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, तो दोनों ही केस में अलग अलग वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना। सेम कंडीशन है, सब कुछ है, लेकिन पहले हम लोग ई रिवर्सिबल वर्क डन कराए थे तो उसमें कम काम हुआ, और जब ई रिवर्सिबल वर्क डन हुआ तो ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ओके।